सुपौल जिला अंतर्गत बीते दिनों बंधन बैंक कर्मी से हुई 9,95,000 की लूट की मामले का पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने किया उद्भेदन। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। एक अपराधी सहित एक पिस्टल, 5 जिंदा गोली और 25,000 रुपए नगद बरामद किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए शैशव यादव ने कहा कि सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी पट्टी नहर के पास बीते दिनों बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना बंदूक के नोक पर की गई थी, जिसमें संलिप्त सोने लाल यादव उर्फ सोनू यादव को राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमोतरा डेनेज के समीप से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधी के पास से तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस व 25,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी ने कहा पूछताछ के दौरान सोनू यादव अपना जुर्म कबूल लिया है और अन्य की संलिप्तता की बात स्वीकार किया है। सोनू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15/4/24 को भीमपुर थाना अंतर्गत रानी पट्टी नहर रेलवे ढाला के पास बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना घटी थी, जिसमें 9,95,000 रुपये लूटने की बात प्रकाश में आई थी और घटना में फायरिंग भी किया गया अपराधियों द्वारा और फायरिंग करके गाड़ी को रोका गया, चार पहिया वाहन को, और उसके बाद उस बैग में से जो पैसा जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था उसको लूट लिया गया। जानकारी मिली तो तुरंत एक SIT गठित किया गया। SDPO त्रिवेणीगंज थे, SDPO भीमपुर थे, SHO राघोपुर, SHO भीमपुर और अन्य SHO भी उसमें थे टेक्निकल टीम के साथ। अनुसंधान प्रारंभ किया गया, इसका हम लोग को लोकेशन मिलता था, हम लोग कार्रवाई करते रहते थे। 12/5 को एक लोकेशन मिला कि ये राघोपुर थाना में इसका घर है, वहाँ पर आया हुआ है। SHO राघोपुर को जानकारी मिली, ये त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जाके छापामारी किए। इन्हें देखकर वह भागने का प्रयास किया, खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। वह सोनू यादव नाम का अपराधी है, ये रहने वाला राघोपुर थाना के बरमोतरा गाँव का है और उसे जब पकड़ के उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल मिला, 4 गोली जिंदा गोली मिला और उसे पकड़ा गया, उसे पूछताछ किया गया, उसने अपने संलिप्तता को कन्फेस किया घटना में और घटना के बाद में पूरे डिटेल में बताया कि अन्य कौन सा अपराधकर्मी घटना में शामिल थे। उसके बाद इसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है और अगर अनुसंधान की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।